भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके बीजेपी के लिए काम करेंगे। पूर्व में अखिलेश सरकार के कई फैसलों पर राज्यपाल ने रोक लगा दी थी। आइए सुनते हैं राज्यपाल राम नाईक का क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर। बातचीत के लिए हमारे साथ राम नाईक जी खुद मौजूद हैं। दो सरकारें आपने देखी, तो आपके ऊपर तमाम आरोप भी लगे, और अखिलेश सरकार और योगी सरकार में कितना अंतर देखते हैं सर? लोगों ने पहले चुनकर दिया था अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के पार्टी को। मैं यहाँ आने के पहले ही अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने थे, उनके साथ भी मेरे व्यवहार अच्छे रहा। कब उन्होंने कुछ संविधान के विरोध में काम करने की कोशिश की तो मैंने उसको जरूर रोका है। आखिरी सवाल ये था कि राज्यपाल पद से हटने के बाद अब मुंबई जा रहे हैं, आप अपने वतन लौट के वापस जा रहे हैं, तो क्या राजनीति में अभी उसी तरह सक्रिय रहेंगे कि जिस तरह से पहले रहते थे? कि जब राज्यपाल की शपथ मुझे लेनी थी उसके पहले मैंने राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी का इस्तीफा दिया, क्योंकि राज्यपाल ने किसी पार्टी के साथ अपना संबंध नहीं रखना चाहिए। यह एक परंपरा है, अच्छी परंपरा है। वो परंपरा के नाते मैंने भारतीय जनता पार्टी का इस्तीफा दिया था। अब यहाँ से मैं जब जाऊँगा तो निश्चित तौर पर फिर मैं पार्टी का सदस्य बनूँगा और पार्टी के लिए जो उचित अनुचित सारी बातों देखकर मैं काम करता रहूँगा। कैमरामैन दुर्गेश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। और लखनऊ से खबर है जहां पर टीले वाली मस्जिद में मुस्लिमों के लिए ट्रेनिंग कैंप लगाया गया। मस्जिद में हथियार देने के लिए कई मुस्लिमों से